काफी 100 साल हो गया इस मंदिर में पूजा पाठ होते। सिक्किम के राज्यपाल जो हैं उन्होंने इस मंदिर का रिनोवेशन कराया और सदियों पुराना मंदिर है और जितना ये पत्थर का सारा चीज लगा हुआ है इधर इधर सब बना हुआ है वो सब लक्ष्मण आचार्य जी और दिनेश डिप्टी सीएम दिनेश पाठक है क्या है उनके द्वारा किया गया है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ वाराणसी के पास। यहाँ पर माँ मनसा देवी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन देखने में आपको लगेगा कि इसका स्वरूप जो है हाल फिलहाल में आप हमारे कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं, ये मंदिर को नए तरह से बनाया गया है। लेकिन ये पहले के राजा जी जब थे, जो कि रामनगर का जो किला है जो जिनके अंदर में है, उन्होंने मतलब इस मंदिर की रचना करवाई है। ये आज की नहीं, काफ़ी पुरानी मंदिर है, लेकिन इसको जो स्वरूप दिया गया है वो हाल फिलहाल मतलब 1.5 से 2 साल पहले। और इसके बारे में आकर हम अपने कुछ यहाँ पे आदमी हैं उनसे बातें करते हैं। जी अंकल, अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम है प्रेम कुमार श्रीवास्तव। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पुराना रामनगर वाराणसी। अंकल जी, आप तो मतलब ये मंदिर के बारे में बहुत सारी तथ्य जानते होंगे, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। यह मंदिर बहुत प्राचीन है, राज परिवार का काशी नरेश का है और उसके बाद इसमें उन्हीं के पुजारी जो थे यहाँ पूजा करते हैं। आज तक उनके पिता से उनके लड़के के द्वारा, अब लड़के के द्वारा ये पूजा होता है। उसके बाद श्रीमान लक्ष्मण आचार्य जी सिक्किम के राज्यपाल जो हैं उन्होंने इस मंदिर का रिनोवेशन कराया और जितना ये पत्थर का सारा चीज़ लगा हुआ है इधर इधर सब बना हुआ है वो सब लक्ष्मण आचार्य जी और दिनेश डिप्टी सीएम दिनेश पाठक है क्या है उनके द्वारा किया गया है। मतलब ये मंदिर लगभग कितने साल पुराना होगा? 300 वर्ष। 300 वर्ष से पुराना, लेकिन देखने में तो ये नया लग रहा है। तो अरे उसको रिनोवेशन हर साल होता है ना। अच्छा, मतलब ये हाल फिलहाल इस पे काम की गई रिनोवेशन। इसको जो है अधिकतर नाग पंचमी के दिन जो है इसका सजावट खूब बढ़िया होता है और नवरात्र में इसका सजावट बहुत अच्छा किया जाता है। बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो और भी, चलिए और भी लोगों से आपको रूबरू करवाता हूँ, बातें करवाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम माता मनसा देवी जी के मंदिर के अंदर हैं। यहाँ पे मनसा माता का मतलब मूर्त रखा हुआ है, लोग यहाँ पे काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है यहाँ से। तो चलिए यहाँ पे एक हैं, इनसे बातें करते हैं। जी मैम, अपना नाम बताइए। जय माता दी, हरे कृष्णा। हमारा नाम संध्या श्रीवास्तव। जी, आप यहीं के रहने वाली? यहीं के रहने वाले हैं। तो मैम, आप इसके बारे में कुछ मतलब? प्राचीन मंदिर है, सदियों पुराना मंदिर है, काफ़ी 100 साल हो गया इस मंदिर में पूजा पाठ होते। सुबह आरती, शाम आरती, पूजा पाठ नियम से होता है, श्रद्धा से। और क्या कहते हैं, तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है। नागपंचमी के दिन माँ का श्रृंगार होता है, बहुत इनकी विशेषता है। जो मनोकामना आदमी आता है, इच्छा से मांगता है, माता पूरा करती है। बहुत ही अच्छा मंदिर है यहाँ। तो आप यहाँ पे कब से मतलब पूजा करने आए? हम तो अपने बचपन से, हम यहीं के पैदा हम हुए, इसी जगह हमारा जन्म है। तो मतलब बचपन से आप यहाँ पूजा करने? बचपन से आते हैं पूजा करने यहाँ माता का। हमेशा आरती श्रृंगार देखने आते हैं, नागपंचमी पर हमेशा चले आते हैं। आरती 9 बजे होती है रात को, चले आते हैं आरती देखने, माथा टेकने सुबह चले आते हैं। हर एक त्यौहार पर माँ का दर्शन करते हैं श्रद्धा भाव से। अष्टमी, दुर्गा अष्टमी पर भी आते हैं, नवमी पर, हमेशा माँ का जब भी इच्छा होता है माँ का दर्शन करने चले आते हैं, जब भी सुबह शाम चाहे जब। आरती के समय आते हैं, काफ़ी भीड़ रहता है, भव्य आरती होती है माँ का, बहुत अच्छे से माँ का पूजा पाठ होता है। जो यहाँ के पंडित जी हैं अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, सुबह भोर में, कुछ शाम को, रात को, अच्छे से, बहुत अच्छे भोग। तो यहाँ से मतलब देखा जाए तो बहुत सारी मान्यताएं मतलब जुड़ी हुई हैं, लोगों की मान्यताएं जुड़ी है। राजा बहुत पहले थे, जब विभूति नारायण सिंह, तब से ही मंदिर चला रहा है, तब से माँ का पूजा हो रहा है। आस्था लोगों की इसीलिए टिकी हुई है, इस मंदिर पर विश्वास जुड़ा है। जैसे हरिद्वार में माँ मनसा देवी का पूजा होता है हर की पौड़ी के बाद, वैसे यहाँ मनसा देवी का पूजा, वैसे ही श्रृंगार होता है नागपंचमी के दिन। बहुत ही श्रद्धा भाव जुड़ा है लोगों का,
इसीलिए काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। हर लोग अपना श्रद्धा मनोकामना पूरी करने के लिए प्रसाद भोग अर्पण जिसकी जितना श्रद्धा है अर्पण करता है, माँ को चरण में ला के चढ़ाता है, पूजा पाठ करता है, कथा होती है मंदिर में, लोग कथा सुनने आते हैं माँ के मंदिर में, सत्यनारायण भगवान का लोग मानता मानते हैं, कथा यहीं बैठ के कराते हैं, सारी काम यहाँ पर होती है, हवन जग सब होता है, माँ का बहुत अच्छे से पूजा पाठ। तो जैसा कि अभी आपने सुना, लोगों ने बताया ये जो मंदिर वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है जो कि एक राजा थे यहाँ के, उनके द्वारा मतलब निर्मित की गई है। तो लेकिन इसका जो मतलब बनावट है वो साल दर साल बनाया जाता है, रेनोवेशन का काम किया जाता है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, वाराणसी।